So तो कम भी चीजें हमने बताया उसमें एक था कि कब हम सर्जरी करेंगे तो हमेशा ये सबसे पहले आता था रिमूवल ऑफ नॉन रिजॉलिंग ओपेसिटी इन ऑफ सब कुछ करने के बाद भी अगर विट्रस हेमरेज नहीं निकल रहा है विट्रस ओपेसिटी नहीं निकल रहा है तब हम विट्रक करते हैं ठीक है

पढ़ के आए इमोबल ऑफ एपीरेटिनल मेम्ब्रेन अगर है तो उसको नहीं रिमूव करेंगे एपीरेटिनल मेम्ब्रेन को सो दैट की विजन ठीक हो जाए ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड आरडी डी एसोसिएटेड विथ जीआरटी आर टी दैट इज जॉइंट रेटिनल टीयर है तब हम करेंगे और कोलोबोमेटस कंडीशन में हम सर्जरी करेंगे उसके साथ साथ कब सर्जरी करते हैं हम पीपीबी पेनिट्रेटिंग ऑकुलर इंजरी विथ रिटेंड इंट्राओकुलर फॉरन बॉडी अगर पेनिट्रेट करके कोई फॉरन बॉडी अंदर चला गया विट्रस में तब हम इमिडिएटली सर्जरी करते हैं एंड क्या हो गई एंड ऑफ थर्माइटिस जो हमारी लास्ट इंडिकेशन है दैट इज एंड ऑफ थर्माइटिस एंड थर्माइटिस में क्या करते हैं सर्जरी करके डिलीवरी करके जितने भी मैक्सिमम कॉलोनीज क्लॉट्स जो होते हैं ठीक है एंड डिफरेंट जितने भी फ्लेयर्स होते हैं जो कॉलोनीज बना के रखते हैं

कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं फादर ऑफ विट्रेक्टोमी कौन है तो फादर विट्रेक्टोमी जो है ओपन जो थी, उसमें क्या करते थे, ये उसमें क्या करते थे 300 डिग्री ऑफ कॉलोनियन सेक्शन अगर किस कॉर्निया का पूरा सेक्शन ले लो तो थ्री सिक्सटी डिग्री हो जाएगी पूरे सर्क्यू की उसमें से करीब तीन डिग्री हम कट कर देते थे

या मिलीमीटर mm देते हैं ठीक है? तीन देते देते हैं, हैं? जो इन्फ्यूजन कैनला होगा वो इन्फ्यूडो टेम्पोरल होगा ठीक है आप देख लो और बाकी जो दो होते हैं वो सुपरा नेजल और सुप्रा टेम्पोरल फॉर कटिंग ब्लेड एंड एलिमिनेशन सिस्टम तो टोटल तीन सिस्टम काम करती है ठीक है आपका एक सुपरा नेजल एरिया के पास एक होगा सुपरा टेम्पोरल पे एक होगा और एक कहाँ होगा <coughs> इनफर टेम्पोरल में अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो दो है सुपरा टेम्पोरल और ये ठीक है सुपरानेजल एंड सुपर टेम्पोरल ये क्या है एक लाइट सोर्स के लिए और एक इन्फ्यूजन के लिए और एक विट्रस कटिंग के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं कुछ कुछ सर्जन यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन कंफर्टेबली दे आर यूजिंग दिस तो एक लाइट सोर्स हो गया और एक इन्फ्यूजन हो गया इन्फ्यूजन क्यों जो हो रही है क्योंकि वो आई का जो पेटेंसी है आई का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसको बना के रखता है फ्लूड और विट्रस कटर हम यूज करते हैं तो ये तीन ओपनिंग हम यूज करते हैं फॉर फास्ट प्लेनर विक्टी अब आ जाओ एटलीस्ट वन सिक्सटी डिग्री ए पार्ट ऑफ इच मैनिपुलेशन होती है नो डेंजर अब इसमें क्या है ओपन स्काई में तो पूरा ही खत्म था यहाँ पे दे नो डेंजर ऑफ स्को सिस्टम इज वन एंड हेंस ऑपरेटिव ट्रॉमा जो होता है वो बहुत कम होता है इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है अब इसको दो डिवाइड कर लो जो इसमें instrument हो, एक तो सिंगल सिस्टम अप्रोच होगी और एक डिवाइडेड सिस्टम में अप्रोच होगी ठीक है सिंगल सिस्टम क्या हो गया कि एक सिस्टम पे काम कर दिया आजकल क्या है डिवाइडेड है कुछ एक ही सिस्टम में अलग अलग डिवाइडेड चीजें होती हैं वैसे कम होते हैं

तो विट्रोफेज जो अंदर यूज़ करते हैं एक आउटर तो घूमता रहेगा और इनर वाला कटिंग होता है इमेजिन कर लो एंड टिप ओनली सर्जन ट्यूब चलता रहेगा एल्यूमिनेशन जो लाइट सोर्स होते हैं इट शुड बी एडिक्वेट एट द सेम टाइम नॉट टू बी सो इंटेंस टू प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी ठीक है मतलब कि जो इल्यूमिनेशन जो लाइट सोर्स होते हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए था, बट इतना भी ज्यादा इल्यूमिनेट नहीं करना चाहिए कि अंदर में कर दे, कर दे. जैसे होती है वैसे एक्सटर्नल होनी चाहिए ठीक है लाइट सोर्स एक एक्सटर्नल बाहर वाला होना चाहिए और एक अंदर अंदर जो अंदर वाला होता है वो क्या होता है फाइबर ऑप्टिक सिस्टम होता है ट्रांसल जो कि मिनिमम एडिक्वेट लाइट होती है बट नॉट डैमेजिंग द रेटिना <coughs> the advantage of having the separate light sources jo light pipe hoti hai retinal distance can be adjusted to prevent the retinal damage theek hai ab naye naye jo aage light sources usse aap light adjust karke damage ko rok sakte hain paajo next kya hai suction and cutting blade jo hoti hai suction जो यूज होती है विट्रक्टोमिया क्या होता है 40 मिलीमीटर mm of एच or less उसकी प्रेसर होती है

तो पता ही होगा दो तरह की कटिंग एक तो ऑसोलेटरी हो गया रोटेटिंग जो चारों तरफ घूम के ब्लेड काटती है और एक एक्सिल एक ऊपर <coughs> एक नीचे ऐसे करके कट करेंगे एक ऑसिलेटिंग होती है कट 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 कर देती है और एक कट कट ऊपर नीचे ऐसे करके जाती है बोथ वर्क वेल विन कटिंग इज साथ बट वेन इट इज टर्न ऑसिलेटिंग टाइप कॉजे विट्रस बिल्ड टू तो गेट अराउंड द टिप कॉजिंग द समझ गए दोनों अच्छा कटिंग करती है बट क्या ऑसिट्री क्या होती है अगर घूमती है तो कभी कभी क्या करती है विट्रस फाइबर्स को उसमें पकड़ के वो घूम के और खींच लेती, लेती है लीडिंग टू विट्रस ट्रैक्शन खींच लेती है ठीक है फास्ट कटर स्पीड इज प्रशा ट्रैक्शन तो फास्ट कटिंग हमेशा प्रीफर होती है क्योंकि जल्दी जल्दी वो काटती है और काट जल्दी जो काटेगा वो ट्रैक्शन खींचेगा नहीं ठीक है जो स्लो कटर है वो फोल्ड करके खींच भी सकता है नाउ एसेसरी इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज करते हैं में वो आपने लेंस देखा होगा कि कॉर्नियल कॉन्टेक्ट लेंस जो हम अलग अलग लेंसेज चेंज करते हैं वो यूज करते हैं इट प्रिवेंट द विजुलाइजेशन ऑफ फंडस प्रिवेंट रहा हूँ इट परमिट्स द विजुलाइजेशन ऑफ द फंडस बाई नेक्टिव पावर ठीक है तो फंडस जितना अच्छा विजन विजुलाइज होगा उस हिसाब से हम कॉर्नियल कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं सेल्फ रिटेनिंग होती है वो यूज करते हैं टू तो जो बाद में हम करते हैं वो यूज करते हैं और साथ साथ क्या है सम लेंस में बी यूज टू तो बिल्ड द इिगेशन सिस्टम नाउ विट्रस नोबिट्रसजर्स ये क्या होता है मैनुअल और ऑटोमेटेड होता है कटिंग विट्रस एंड द कटिंगल मेम यूज करते हैं कट करने के लिए सीजर आपने देखा होगा विट्रस फोल से भी यूज करते हैं टूथ से प्रोलॉन्ग होती है पिकअप एंड पील मेम्ब्रेन आयलम पीलिंग जब मैं मैकुलर होल बताऊंगा तब आपको बताऊंगा वहां पे पी पील मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिनल सर्फेस को पील करके फिर उसको फिलअप करते हैं इंट्राओकुलर डाइथर्मी भी यूज होता है यूनिपोलर एंड बाइपोलर होती है विद द एंड ब्लीडिंग द वेसल्स ऑफ द रेटिनल सर्फेसेस एंडोफोटोकोगुलेशन स्ट्रेट एंड एंगल एंटीगेज एंडोफोब्स यूज होती है एंड इंट्रोकुलर क्राइफ ऑल्सो यूज होती है देखा होगा क्राइव एंडोकोन तो होती ही होती है एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होती है पार्ट सर्जरी में इंट्रो ऑपरेटिव क्या होगी कॉर्नियल रिडमा हो सकती है वो तो होती ही है बिकॉज इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है होती है लेंस में भी डैमेज कोमरेज हो सकती है सब रेटनल ऑफ द दूजन फ्यूल फ्लूर हो जाएगी एट्रोजेनिक रेटनल ब्रेक हो जाएगी और वैस्कुलर ऑक्लेजन हो सकती है साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होगी रेटिनल डायलिसिस हो, हो सकती है रेटिनल डैमेज टू लेंस अगर लेंस टच हो जाती है ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग फ्रॉम दियो वैसकुलर स्टॉप हो जाएगी एंड ऑफिस हो सकती है एंड पोस्ट विट्रेक्टोमी ग्लूकोमा हो सकती है डे ये दोनों टॉपिक खत्म हो गए आपके एंटी वीजीएफ एज वेल एज